इन दिनों बीएमसी मुंबई में प्लास्टिक की पॉलिथीन पर बैन लाने की योजना बना रही है, तो कई दूसरी संस्थाएं मुंबई करों के बीच प्लास्टिक की जगह कपड़े के बैग इस्तेमाल करने के लिए अभियान चला रहा है। हर हाथों में प्लास्टिक की थैलियां, फल सब्जियां खरीदना हो या फिर कुछ और, दुकान से घर तक सामान ले जाने के लिए प्लास्टिक की थैलियों का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। लेकिन अब मुंबई की तस्वीर बदलने वाली है। प्लास्टिक की थैलियों की जगह कागज की थैलियों के इस्तेमाल के लिए मुंबई घरों में जागृति फैलाई जा रही है। मुंबई की सड़कों पर पोस्टर और बैनर लिए ये लोग स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े हैं, जो मुंबई करों को प्लास्टिक बैग से होने वाले नुकसान और कागज के बैग से होने वाले फायदे के बारे में बता रहे हैं। हम यहाँ सब इकट्ठा हुए एक ही मकसद के लिए कि जो कंज्यूमर्स है, जो कस्टमर्स यहाँ आ रहे शॉपिंग करने के लिए पाली मार्केट में, घर से अपने कपड़े की थैली साथ में लेके आए और यहाँ पे जो भी शॉपिंग करे, जो भी फ्रूट वेजिटेबल्स ले, वो इको फ्रेंडली फैशन में ले, यानी न्यूज़पेपर में या कपड़े के बैग में या गुनी में या क्रेट में। धीरे धीरे लोगों के बीच उसका असर भी दिख रहा है। दुकानदार प्लास्टिक के बैग की जगह कपड़े और कागज के बैग का इस्तेमाल करने लगे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि ग्राहकों को शुरुआत में इस अभियान से जोड़ने में थोड़ी मुश्किल जरूर आ रही है। हम लोग संदेश देते हैं कि कस्टमर घर से बैग लेके आइए, इतनी कोशिश करते हैं तो भी कस्टमर बोलता है अभी हम ऑफिस से आए, तो हम लोग बोलते हैं पेपर में ले जाओ, तो इतनी बड़ी तकलीफ करते हैं कि बोलते हैं नहीं आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, आप बड़ा दूसरा बैग लेके दो, हम लोग को ऐसा ला के दो और ज्यादा प्लास्टिक ला के रखिए। मतलब जब कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करने का अलाउड है, वो आप कपड़े का घर से लाइए। मुंबई में 26 जुलाई 2005 को भीषण तबाही में अगर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो वजह बनी ये प्लास्टिक की थैलियां, जिसने पानी निकलने वाले सभी रास्तों को रोक दिया। लेकिन बरसात आने से पहले स्वयंसेवी संस्थाओं ने एक अच्छा कदम उठाया है, तो बीएमसी भी प्लास्टिक बैग पर रोक लगाने के लिए योजनाएं बना रही है। इस समय मुंबई से सरोजनी श्रीहर्ष।